हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान आला। दिस इज़ पूजा चौधरी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि WH फैमिली क्या होती है और WH वर्ड्स क्या होते हैं। अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि किसको हम WH फैमिली बोलते हैं, कौन कौन से वर्ड्स WH फैमिली में आते हैं। तो उन्हीं टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है WH फैमिली और WH वर्ड्स। तो देखना ये है कि फ्रेंड्स, इसका नाम WH फैमिली क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको WH फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो भी वर्ड्स होते हैं उसमें W और H जरूर होता है। ठीक है, ये मैंडेटरी है, उसमें W और H होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो WH है, यहाँ भी WH है, या तो ये साथ में आएंगे या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इन्हें WH फैमिली का यूज़ क्या है, WH फैमिली का यूज़ ये है कि इसको हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है किसी से तो आप क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स की पूरी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं या फिर WH वर्ड्स बोलते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा है वॉट। वॉट का मीन्स क्या होता है, क्या। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जितने भी WH फैमिली लिखे हुए हैं ये आपको याद रखने की ज़रूरत है अच्छे से कि किसका मतलब क्या होता है, तो फिर आगे चल के आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो आप इसको बस याद रखो कि ये होते क्या है, इनका मीन्स क्या होता है। तो वॉट मीन्स क्या होता है, क्या। अब आपको क्वेश्चन पूछना है कि वॉट इज़ योर नेम, तो यहाँ पर हो गया ना वॉट आया। वॉट से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मतलब आपका नाम क्या है। ओके, नेक्स्ट इज़ हु। हु मीन्स क्या होता है, कौन। हु आर यू। ओके, वेयर। वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर मीन्स क्या हो गया, कहाँ हो गया। हुम मीन्स क्या होता है, किसे। विच मीन्स कौन सा। हुज मीन्स किसका। वाई मीन्स क्यों, और वाई डू नॉट मीन्स क्यों नहीं। यहाँ पे डू नॉट लिखे है इसलिए इसे बोलते हैं क्यों नहीं। डू नॉट आप बोलो या फिर वाई डोंट। ओके, दोनों प्रोनंसिएशन होता है। नेक्स्ट है वॉट फॉर और फॉर वॉट, इसका मीन्स भी एक ही होता है, या तो आप वॉट फॉर बोलो या फिर फॉर वॉट बोलोगे तब भी मीनिंग क्या है निकलेगी आपकी, किस लिए। ओके, जैसे कि अगर कोई बुला रहा है तो आप वहाँ पे बोल सकते हो ना कि फॉर वॉट, शी इज़ कॉलिंग यू और ही इज़ कॉलिंग मी। ओके, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो कि मतलब किस लिए बुलाया जा रहा है। अब नेक्स्ट आप देखो फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ से। वैसे तो से फ्रॉम मीन्स से होता है, वेयर मीन्स कहाँ, तो ऐसे भी आप मीन्स निकाल सकते हो कि फ्रॉम वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ से। अब नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे है सिंस वेन। सिंस वेन का मतलब भी कब से होता है, और फॉर हाउ लॉन्ग का मीन्स भी कब से होता है, और फ्रॉम वेन का मीन्स भी कब से होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है सिंस में और फॉर में कि सिंस हम तब यूज़ करेंगे जब हमसे कोई क्वेश्चन सिंस वेन में पूछेगा। जैसे अगर कोई मुझसे पूछा सिंस वेन यू हैव बीन टीचिंग, ओके, कि मतलब तुम कब से यहाँ पढ़ा रही हो, तो सिंस वहाँ पे क्वेश्चन में आया इसका मतलब कि वो मुझसे एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा कि मैं यहाँ पे कितने बजे से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे आंसर क्या देना होगा, एट 8 o'clock। ठीक है, तो कि मैं कब से पढ़ा रही हूँ, 8 o'clock से पढ़ा रही हूँ, मतलब कि 8 बजे से पढ़ा रही हूँ। और अगर कोई फॉर हाउ लॉन्ग पूछ ले कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर, कि मतलब तुम कितने देर से पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पे फॉर अगर पूछा है तो मतलब वो आपसे ड्यूरेशन पूछ रहा है, अवधि पूछ रहा है, आपको वहाँ पर फिक्स टाइम नहीं। जैसे आपने पढ़ाई 4 बजे से स्टार्ट की और जब वो बंदा आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप मान लीजिए 6 बज रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, आपने वहाँ एग्जैक्ट टाइम नहीं बोला। अगर वो सिंस करके बोलता तब आप वहाँ पर आंसर करते 4 o'clock, बट जब फॉर वॉट करके पूछ रहा है तो आप वहां पे क्या आंसर करोगे, 2 घंटे। ओके, आपको यहां पे क्या बताना है, आपको एग्जैक्ट टाइम बतानी है कि आपने कब से स्टार्ट किया है, और यहां पे आपको क्या बताना है, ड्यूरेशन बताना है। ओके, अब नेक्स्ट आप देखो विद हुम। विद हुम का मतलब क्या होता है, किसके साथ। विद का मतलब क्या होता है, साथ, और हुम मतलब किसके। तो ये ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शॉर्ट्स वाले याद कर लोगे तो बड़े वाले अपने आप याद कर लोगे, क्योंकि बाकी छोटे छोटे मीन्स तो आपको पता ही है, बस उन्हीं को ऐड करके और ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड्स बन गया है। नेक्स्ट आप देखो वेन। वेन का मीन्स क्या होता है, कब, हाउ, कैसे, हाउ मच और हाउ मैनी। हाउ मच मीन्स कितना होता है, और हाउ मैनी मीन्स कितने होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि कितना, हाउ मच कब हम यूज़ करेंगे और कब हाउ मैनी यूज़ करेंगे। हाउ मच को हम हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं, क्या होता है, अनकाउंटेबल, और हाउ मैनी को काउंटेबल। ओके,
तो फ्रेंड्स अनकाउंटेबल ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको कि अनकाउंटेबल अगणनीय, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब जिसको 1 2 3 4 करके गिन नहीं सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल में आ जाएगा। और हाउ मैनी क्या होगा, जिसको हम 1 2 3 करके गिन सकते हैं, जो गणनीय है, जिसे आप काउंट कर सकते हो, वो आपका किस में आ जाएगा, हाउ मैनी में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि हाउ मच में आपका वाटर, मिल्क, ब्लड, ये सब आएगा, और हाउ मैनी में आपका पेन, बुक, ये सब आएगा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ फार। फार मीन्स क्या होता है, दूर। जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव में पढ़ा था, दिस डैट दिस दोस्त पढ़ाया था, वहाँ पे आपको फार का मीन्स बताया था ना। फार मीन्स दूर होता है, दूर में क्या आते हैं, तो फार मीन्स क्या हो गया, दूर हो गया, और हाउ का कितना, हाउ फार कितना दूर, कितना दूर आपको पूछना, तो हाउ फार करके बोल सकते हो। हाउ ऑफन का मतलब कब, कभी फ्रीक्वेंसी, जैसे डॉक्टर कभी दवा भी लेने को बोलता है तो आप पूछते हो ना कि कब कब लेनी है, तो उसके लिए हाउ ऑफन की यूज़ कर सकते हो, मतलब कि फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। अब यहाँ पे आप देखो हाउ सून, हाउ सून का मतलब कितनी जल्दी, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, लेंथ की जब बात होगी तो हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड में दो चीज़ें आती हैं, हाउ ओल्ड को हम दो तरह से यूज़ करते हैं क्वेश्चन पुटअप करने के लिए। फर्स्ट की अगर हमें कोई चीज़ पूछने की कितना पुराना है, अगर ताजमहल कितना पुराना, तो उसके लिए भी हम हाउ ओल्ड का यूज़ करेंगे। और अगर अपने फ्रेंड की या अपने एल्डर्स किसी की भी एज पूछनी है, तो उसके लिए भी हम हाउ ओल्ड आर यू बोलते हैं, ठीक है। तो एक आपका हो गया उम्र के लिए, और एक कोई चीज़ कितनी पुरानी है, तो हम दो चीज़ों के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, हाउ ओल्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखो वॉट एवर एंड वॉट सो एवर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे सो लग गया है, बट मीनिंग आपकी सेम है, जो कुछ भी। नेक्स्ट है हूएवर एंड हूसोएवर, जो कोई भी, विच एवर जो कुछ भी, व्हेन एवर जब कभी, हाउ एवर जैसे भी, और हुम एवर जिसे भी। तो फ्रेंड्स आपको ये इतना याद रखने की ज़रूरत है, आप इसे कॉपी और पेन लेके नोट्स बना लीजिए, और वीडियो में एंड तक बने रहिए, बाकी हम आगे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अब नेक्स्ट है आपका वॉट एल्स। वॉट एल्स का मीन्स क्या होता है, और क्या, वाई सो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, एट हाउ कम कैसे, मतलब कोई गेस्ट अगर सडन आ जाता तो हम लोग पूछते हैं ना कि मतलब कैसे आना हुआ, तो उसके लिए एट हाउ कम, फॉर हुम किसके लिए, विदाउट हुम किसके बिना। अब आप यहाँ देख सकते हो हुम का मीन्स भी किसके होता है, यहाँ पे हुम का मीन्स भी किसके होता है, विदाउट मतलब बिना होता है। तो ऐसे अगर वर्ड्स टू वर्ड आपके मीनिंग याद रहेंगे तो आप कंबाइन फॉर्म में भी मीनिंग उसका निकाल सकते हो। ओके, अनटिल व्हेन कब तक, व्हेंस कहाँ से। अब इधर आप देखो व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप। ओके, तीनों का मीन्स क्या है, किस तरह का। जैसे अगर मान लीजिए आप शॉप पे गए हो शर्ट लेने या पैंट लेने कुछ भी, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर आपको किस तरह का कपड़ा चाहिए या फिर किस तरह का मटेरियल चाहिए, तो व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट शॉर्ट ऑफ। ओके, इन व्हाट वे, एट व्हाट वे, किस तरह से, यहाँ पे का डिफरेंस है और यहाँ पे से, तो यहाँ पे इन व्हाट वे, एट व्हाट वे, तो इसमें आप किसी का काम करने का तरीका भी पूछ सकते हो कि किस तरह से आप कर रहे हो, तो उसके लिए हम एट व्हाट वे का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इन विच, किस में, इन विच का मतलब क्या होता है, किस में। तो फ्रेंड्स ये सब थे आपके डब्ल्यू एच टाइप ऑफ वर्ड्स, और ये पूरी आपके सामने लिस्ट है, तो आप इसे अच्छे से इसका नोट्स बना के अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, स्पोकन के पर्पज़ से भी और ग्रामर के पर्पज़ से भी। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।